सो इट्स मलिहा सलीम हियर फ्रॉम CSS बहरिया इंस्टीट्यूट। सो आज की हमारी जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस कि किस तरह स्टूडेंट्स कम मेहनत करके ज़्यादा मतलब मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज़ दैट। फिर उसके बाद सेकेंडली वी विल डिस्कस कि हाउ टू सेलेक्ट योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, ये आज हम डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह स्कोरिंग ट्रेंड चेंज हो रहा है और सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है स्टूडेंट्स की चेंज हो रही है और उसकी क्या वजह रह गई हुई है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट जो आज मैंने आपको बताना है वो मैं आज आप लोगों को 8 इंपॉर्टेंट जो फिलोसफर्स हैं जो आपके CSS और PMS एग्जामिनेशन में मोस्ट ऑफनली आए हैं, बहुत ज़्यादा उनकी रेपिटेशन हुई हुई है, वो उसमें उनका मैं ओवरव्यू दूंगी। ठीक है, सो दिस लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैंने आपको ये बतानी है, टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ हाउ टू स्मार्टली स्टडी पॉलिटिकल साइंस एंड हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन दिस लेंथी सब्जेक्ट ऑफ 200 मार्क्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आज जो मैं आपको पहली जो हमने चीज़ मैंने कहा था कि कैसे हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें, अपना आपने ये नहीं देखना कि आपका बैकग्राउंड क्या है, कि आप इंजीनियरिंग के हैं या कंप्यूटर साइंस के हैं या MBBS हैं, मेडिकल के हैं, मेडिकल साइंसेस के हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपने ये चीज़ नोट करनी है कि जो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करें वो किसी के साथ ओवरलैप कर रहा है या नहीं कर रहा, वो किसी और है सब्जेक्ट में आपको हेल्प करेगा या नहीं करेगा। अब फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स रख लेते हैं MBA वाले ऑडिट एंड अकाउंट्स। अब ऑडिट एंड अकाउंट्स मुझे ये नहीं समझ आती कि और किस सब्जेक्ट में उन्हें हेल्प करेगा। क्या ऑडिट एंड अकाउंट्स आपको पाकिस्तान अफेयर्स में हेल्प करेगा? नहीं। क्या ऑडिट एंड अकाउंट्स आपको करंट अफेयर्स में हेल्प करेगा? नहीं। या वो किसी आपको जेंडर स्टडीज़ क्रिमिनोलॉजी किसी चीज़ में हेल्प करेगा? नहीं। तो इस तरह के सब्जेक्ट रख के जो आपका बैकग्राउंड है इससे आप अपने आप को ओवर बर्डनाइज कर रहे हैं, क्योंकि ऑडिट एंड अकाउंट लाइक इट्स जस्ट आउट ऑफ बॉक्स थिंग। ठीक है, वो आपको समझ, बेशक आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड एंड यू फील लाइक यू विल गोइंग टू स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स इन ऑडिट एंड अकाउंट्स, लेकिन स्टिल इट्स नॉट ओवरलैपिंग विथ एनी अदर सब्जेक्ट। ठीक है, अब फिर कुछ स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस रख लेते हैं। अब कंप्यूटर साइंस का एक छोटा सा पोर्शन आपका आता है उसमें लाइक जनरल एबिलिटी एंड साइंस के पेपर में बहुत ही छोटा पोर्शन है। अब कंप्यूटर साइंस रखने का भी कोई आपको इतना फ़ायदा एडवांटेज नहीं होगा। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स अपना एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट बॉटनी या फिज़िक्स रख लेते हैं। अब ये सब्जेक्ट जो होती है लाइक ऑब्वियसली यू हैव डन मास्टर्स इन दिस दी सब्जेक्ट्स तो यू विल फील गुड के यू विल फील गुड के ये सब्जेक्ट हम आसानी से कवर कर लेंगे। लेकिन इस चीज़ में ये मसला हो जाता है कि ये सब्जेक्ट किसी के साथ ओवरलैप नहीं करता, ये बिल्कुल एक अलग सा सब्जेक्ट होता है और बाकी आपको जो है सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं जैसे कि सोशियोलॉजी हो गया। अब बॉटनी के साथ मुझे नहीं लगता किसी भी ग्रुप का कोई भी सब्जेक्ट ओवरलैप करता है, CSS में भी या PMS में भी या फिज़िक्स में कोई भी ग्रुप के और सब्जेक्ट ओवरलैप करें। तो हमेशा वो सब्जेक्ट चूज़ करें जिसकी वर्थ और जिसकी वैल्यू और सब्जेक्ट्स में भी हो। जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस अगर आप चूज़ करते हैं तो उसमें आपका करंट अफेयर्स भी तैयारी हो रही होती, करंट अफेयर्स की भी अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस रखते हैं। ठीक है, इसी तरह जैसे कि आप पॉलिटिकल साइंस चूज़ करते हैं तो इसमें आपकी करंट अफेयर्स की भी तैयारी होती है, इसके साथ साथ आपकी जो है जेंडर स्टडीज़ की तैयारी भी होती है क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में जेंडर इन पॉलिटिक्स भी एक टॉपिक है। फिर इसके साथ साथ आपकी USA हिस्ट्री की भी तैयारी होती है, हिस्ट्री ऑफ USA की भी, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है जो आपने हिस्ट्री ऑफ USA में भी पढ़नी है। फिर इसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस से आपकी तैयारी जो होती है आपके पाकिस्तान अफेयर्स की होती है, पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 2 पेपर बिल्कुल पाकिस्तान अफेयर्स के ऊपर बेस है। फिर इसके साथ साथ आपकी करंट अफेयर्स की भी थोड़ी थोड़ी बहुत तैयारी हो रही होती है क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में यू गोइंग टू नो न्यू टर्मिनोलॉजीज जो आपके करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स में काफ़ी यूज़ होती हैं और
करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स में आपकी ऑर्गेनाइजेशंस जो आती हैं, या जैसे कि आपकी यूरोपियन यूनियन हो गई, सार्क हो गई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गई, तो ये सब आपने पॉलिटिकल साइंस में भी इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ना होता है। तो इस तरह का सब्जेक्ट रखें जो एक दूसरे के साथ आपको हेल्प करें। अब ऑर्डिनरी अकाउंट्स अगर आप रखते हैं तो आपको वो एस ए में नहीं हेल्प करेगा, लेकिन अगर आप आई आर या पॉलिटिकल साइंस रखते हैं तो वो आपको एस ए में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, ओके फाइन। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि समवन इज़ आस्किंग मी लाइक इंग्लिश इससे इम्प्रूव करने के लिए टिप्स बताएं प्लीज़ रिजवान। ओके फाइन। अच्छा, आप जो स्टूडेंट्स बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रेपरेशन को, उनके लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि उन्होंने दो तीन चीज़ों को फोकस करना है, क्योंकि आप लोग बिल्कुल स्टार्ट में हैं, बिगनर्स हैं। आपने जो है करंट अफेयर्स अपने जो है मैगजीन्स पढ़ने हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं। इनकेस अगर आप नहीं पढ़ सकते मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स, तो एक ऐप है कोशे ऐप, ठीक है, वो डाउनलोड कर लें, वहाँ से रोज़ का रोज़ आर्टिकल्स पढ़ा करें। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट एसे पे नहीं आए। एसे में आपने 3000 वर्ड्स लिखने होते हैं, एंड 3000 वर्ड्स इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगी आप इतने ज़्यादा वर्ड्स नहीं लिख सकते। एग्जामिनर को इरेवलेंसी या बकवास चीज़ें नहीं चाहिए, इनको वो रेवलेंट चीज़ें चाहता है। 3000 वर्ड्स में आपने बहुत रेवलेंट पॉइंट्स लिखने, अपनी कहानियाँ नहीं लिखनी किसी भी चीज़ की। तो उस चीज़ के लिए यू हैव टू प्रिपेयर अदर सब्जेक्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल। करंट अफेयर आपने तैयार करना अच्छे तरीके से, इंग्लिश प्रेसिएंट कंपोजिशन का पेपर पहले तैयार करें, उसके लिए अपनी वोकैबुलरी बनाएं जो है अच्छी तरीके से, जो है आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो है पढ़ें, और उससे आप वो पहले तैयार करें अपनी वोकैबुलरी, रोज़ के 10-12 वर्ड्स वोकैबुलरी के करें। ठीक है, ये चीज़ जो है आपको हेल्प करेगी टू प्रिपेयर फॉर सीएसएस। तो उसके बाद जब आपने एसे पे जाना है तो उससे पहले आपने इतनी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि आप एसे लिख सकें। एसे किस तरह आपने तैयार करना है कि आपको और सब्जेक्ट्स की नॉलेज हो थोड़ी बहुत, जैसे कि आपने दो कंपलसरी स्टार्ट कर लिए, जैसे कि आप इंग्लिश ग्रामर कर रहे हैं और साथ साथ आप करंट अफेयर्स कर रहे हैं, तो साथ एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी चूज़ कर लें जिससे आपकी एक नॉलेज बनती रहे कि ये क्या चीज़ है। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में यू कैन चूज़ एनी सब्जेक्ट, बस चूज़ दैट सब्जेक्ट विच इज़ डिफ़िकल्ट एंड विच इज़ कवरिंग मैनी सब्जेक्ट्स। जैसे अगर आपका ऑप्शनल है आईआर, तो आईआर आप जो है उसको तैयार करें टू कंपलसरी सब्जेक्ट्स के साथ। इसी तरह अगर आपका ऑप्शनल है पॉलिटिकल साइंस, तो उसको भी तैयार करें इन दो को स्टार्ट करने के साथ। इससे ये होगा कि जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, उसमें आपको पता चल जाएगा डेमोक्रेसी क्या है, आपको आइडिया हो गया डेमोक्रेसी कैसे का। फिर आपको पॉलिटिकल साइंस से पता चल जाएगा ह्यूमन राइट्स क्या है, आपको आइडिया हो गया ह्यूमन राइट्स कैसे का। फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि जेंडर की वैल्यू क्या है इन पॉलिटिक्स, मतलब वुमेन की एम्पावरमेंट की क्या है वैल्यू, ये भी आपको पॉलिटिकल साइंस से पता चल जाएगा। और मतलब आप ऐसे भी आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि आप खुद से ऐसे लिख सकें। ठीक है, फिर सबसे पहले आप लोगों ने अपनी आउटलाइंस पे काम करना है ऐसे के लिए, कि आउटलाइन आप प्रॉपर बनाएंगे, उसका जो बॉडी होगी, फ्रेम होगा, स्ट्रक्चर होगा, वो प्रॉपर होगा, तो आप प्रॉपरली फुल फ्लैच ऐसे लिख सकेंगे। ठीक है, सो दीज आर द टिप्स फॉर एसेस, एसे राइटिंग। अच्छा, इसके अलावा नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, वट वुड बी द स्ट्रेटजी ऑफ योर टीचिंग। वेल मोहसिन, मेरी स्ट्रेटजी टीचिंग की ये है कि मैं जो हूँ बहुत स्मार्ट वर्क पे बिलीव करती हूँ। मुझे इरेलीवेंट नॉलेज और इरेलीवेंट चीज़ें बताना स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिकॉज व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट और टीचर्स जब कुछ पढ़ा रहे होते थे तो वो तीन चार इधर उधर की कहानियाँ सुनाते थे या बहुत ही एक्स्ट्रा नॉलेज देते थे कि पास में बहुत ज़्यादा चले जाते थे फिलोसफर्स के, तो उससे मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती थी। तो मैंने जो प्रॉपरली एनालाइज किया पास पेपर्स सीएसएस के पीएमएस के, तो आई डोंट थिंक सो कि किसी भी पास पेपर के क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हुआ हो कि बैकग्राउंड क्या था फिलोसोफर का, प्लेटो का बैकग्राउंड क्या था, अरिस्टोटल का बैकग्राउंड क्या था, वो कहाँ पैदा हुआ, किस सिटी में वो बड़ा हुआ, किस चीज़ों ने उसकी फ़िलासफ़ी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा असर किया। इतना बैकग्राउंड, इतनी डीप बैकग्राउंड का किसी ने भी पास पेपर्स में नहीं पूछा। तो स्मार्ट वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
एंड इफ यू गुड इन इफ यू आर गुड इन स्मार्ट वर्क देन यू आर गुड इन एवरीथिंग आई कैन से दैट ओके फाइन थोड़ा से पॉलिटिकल साइंस की वेस्टर्न थॉट की बुक बताएं जितनी आउट लाइंस हों पॉलिटिकल साइंस की वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की जोर्ट हर्मन की बुक है और इसके अलावा यू कैन परचेज द बुक ऑफ कारावान इट्स गुड एज वेल सोशियोलॉजी एंड क्रिमिनोलॉजी का बता दें आई डोंट नो एनी बैकग्राउंड ऑफ दम अच्छा सोशियोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी दीज बोथ आर टू डिफरेंट सब्जेक्ट सोशियोलॉजी में आप सोसाइटी के बारे में पढ़ती हैं सोशल चेंज के बारे में पढ़ती हैं सोशल कल्चर कम्युनिटी के बारे में पढ़ते हैं उसमें आपने सोशियोलॉजी में कुछ फिलासफर्स भी पढ़ने होंगे जैसे कि थॉमस हॉप हो गया थॉमस हॉप आप पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स आप सोशियोलॉजी में भी पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स आप जो हैं पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ेंगे हीगल आप पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ेंगे इसको आप सोशियोलॉजी में भी पढ़ेंगे सो दीज आर फ्यू फिलासफर्स जो आपने सोशियोलॉजी में पढ़ने इसके अलावा सोशियोलॉजी इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट एंड अ वेरी ईजी सब्जेक्ट इसमें आपने सारी जो आपकी इसमें चीज़ होगी वो सोशियोलॉजी में सोसाइटी से रिलेटेड होगी कि सोसाइटी के नॉर्म्स क्या हैं वैल्यूज़ क्या हैं कस्टम्स क्या हैं ट्रेडिशंस क्या हैं फॉक वेज क्या हैं तो ये सब आप सोशियोलॉजी में पढ़ते क्रिमिनोलॉजी इज़ ऑल अबाउट क्राइम्स एंड क्रिमिनल इसमें आप जो है इसमें ये नहीं होता कि आपने वो प्रॉपर जो सेक्शन के तहत लॉज पढ़ते हैं कि सेक्शन 25 के मुताबिक ये पीनल कोड के मुताबिक ये इट्स नॉट लाइक दैट इट्स अ वेरी जर्नल सब्जेक्ट इसमें आपने क्राइम्स के बारे में पढ़ना है क्रिमिनल बिहेवियर के बारे में पढ़ना है कि एक क्रिमिनल है उसकी क्या साइकी है वो क्यों क्राइम करता है ठीक है और इसमें आप पढ़ते हैं क्रिमिनोलॉजी में रिगार्डिंग जस्टिस सिस्टम की जस्टिस सिस्टम किस तरह हम जो हैं प्रॉपरली उसको अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं या इफेक्टिव बना सकते हैं हमारे जजेस का क्या रोल होता है ये आप सब क्रिमिनोलॉजी में पढ़ते हैं फिर जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम आ जाता है जिसमें आप लोग ये पढ़ते हैं कि जो अगर माइनर अगर कोई कमिट करता है सुसाइड तो उस माइनर की जो पिक्चर है शुड नॉट बी गिवन इन द न्यूज़पेपर माइनर की जो मतलब पनिशमेंट है वो जो है इस तरह की ना हो कि वो मतलब और ज़्यादा जो है क्राइम्स करे वो प्रिवेंटिव एंड क्रिएटिव काइंड ऑफ पनिशमेंट हो सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्रिमिनोलॉजी ओके थैंक यू अवेज जट फॉर अप्रिशिएटिंग माई टीचिंग मैथड स्टार्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ओके सो नाउ कमिंग टूवर्ड्स मैम ओके नाउ सो नाउ आई एम जस्ट कमिंग टूवर्ड्स कैन वी राइट एसे विद सिंपल एंड ऑफकोर्स एसे इज़ नॉट अबाउट मोहम्मद इदरीस कि आप बहुत ही ज़्यादा विकेबलरी यूज़ करें या बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें यूज़ करें कि एग्जामिनर कन्फ्यूज हो जाए आपने बहुत ही सिंपल ऐसे लिखना है लेकिन योर आउटलाइन शुड बी वेरी क्लियर एंड प्रिसाइज जिससे एग्जामिनर को आइडिया हो कि आपको आउटलाइन समझ आ गई मतलब आपको एसे का टॉपिक समझ आ गया फॉर एग्जाम्पल अगर एसे का टॉपिक आ जाता है कि डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर ये जैसे आया है 2019 में तो इस तरह के ऐसे में आपने सिर्फ डेमोक्रेसी भी नहीं लिखना आपने इलिटरेसी को भी साथ लेके चलना है और आपने ये बताना है कि जैसे इलिटरेट लोग अगर वोट करेंगे तो वो हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होगी हम डेमोक्रेसी सिक्योर नहीं कर सकते क्योंकि जो एक प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ पॉलिटिशियंस होती है सिलेक्शन ऑफ लीडर होती है वो एक जो बंदा प्रॉपरली और मेंटली जो है फिट होता है वो ही सही तरीके से सिलेक्ट कर सकता है अगर एक इलिटरेट होगा उसको ईजिली जो है मैनिपुलेट किया जा सकता है कि आप मुझे वोट दें सो इस तरह आपने टॉपिक को हिट करना है कि इसमें सिर्फ एक साइड को नहीं लेके चलना दोनों साइड्स को लेके चलना हैदर लाइक ओके आईआर पॉलिटिकल साइंस हैज समवन सेज पॉलिटिकल साइंस हेल्प व्हेनेवर ऑप्ट आई लाइव हैज टू लर्न अगेन एंड अगेन या हैदर हसन चीमा इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं रोज़ के रोज़ चेंज हो रहे हैं रोज़ के रोज़ नए इंटरनेशनल रिलेशंस आ रहे हैं वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है आप देख सकते हैं बिकॉज ऑफ कोरोना पेंडेमिक तो हर चीज़ जो है बिल्कुल चेंज हो रही है सो जिस इन चेंजेस की वजह से इंटरनेशनल रिलेशंस बिल्कुल इट्स लाइक करंट अफेयर्स आपने करंट अफेयर्स में तो आप जो हैं काफ़ी मतलब लिमिटेड किस्म की
इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको हर कंट्री के रिलेशंस के बारे में पता होना चाहिए कि वेनेजुएला का क्या रिलेशन है, रशिया के इंडिया के साथ क्या रिलेशन हुए हुए हैं, अमेरिका और इसकी जो है चाइना का कौन, मतलब विच कंट्री इज़ राइजिंग टूवर्ड्स लाइक टू मतलब विच कंट्री जो है किसकी इकॉनमी जो है ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, ये सब कुछ आपने इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ना होता है। इवन जो आजकल प्राइस वॉर चल रही है ऑयल की प्राइसेस पर, वो भी पढ़ना है आपने कि ओपेक ग्रुप्स जो हैं आपके और नॉन ओपेक ग्रुप्स की क्या चल रही है, क्यों ऑयल बैरल की प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गई है, ये सब कुछ आपने इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ना होता है इन द लाइट ऑफ देयर थ्योरीज, दैट न्यू लिबरलिज्म, इंपीरियलिज्म, लिबरलिज्म, इन सब की लाइट में आपने ये सारी इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने होते हैं। ओके ओके, हाउ टू डू स्मार्ट वर्क, मतलब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोग किस तरीके से मतलब एक कम वक्त में और प्रोडक्टिव किस्म से पढ़ सकते हैं, या हम लोग कैसे बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कम मेहनत में हम कैसे कर सकते हैं। सो द थिंग इज़ दैट कि आपने जब भी आप पढ़ रहे हो, अब आपने जब वैन एवर यू गोइंग टू ओपन योर बुक, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि मतलब यू विल गोइंग टू सी कि बहुत ही ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई हैं और एक पेज है उसके ऊपर कोई हेडिंग नहीं है, कोई चीज़ बोल्ड नहीं हुई हुई, और मतलब आपको बहुत बोर फील होता है, ठीक है, और आपको दिल भी नहीं करता रीड करने का। सिमिलरली जब एग्जामिनर आपका पेपर चेक करता है और जब आप कंटिन्यूसली लिख रहे होते हो विदाउट एनी हेडिंग, एग्जामिनर को भी यही फीलिंग्स आती है कि व्हाट अ बोरिंग थिंग इज़ दैट, किस बंदे ने मतलब कंटिन्यूसली ही इज़ राइटिंग एंड नॉट गिविंग एनी हेडिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वैन एवर यू आर रीडिंग एनी थिंग, एनी बुक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट टू एक्सट्रैक्ट आउट द मेन पॉइंट्स, ठीक है, मेन पॉइंट्स आपने एक्सट्रैक्ट आउट करके निकाल के अपनी नोट कॉपीज में लिखते हैं, ठीक है, कि ये टू द पॉइंट बात करनी है कि फॉर एग्जांपल प्लेटो है, प्लेटो के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालने, इररेलेवेंट उसकी जो बातें हैं वो आपने नहीं लिखनी, या आप बुक पढ़ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन कर दें और बाद में उनको लिख लें, अगर आप उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बिजी हैं या यू डोंट हैव एनीथिंग टू राइट ऑन अ नोट कॉपी, तो आप जो है उन पॉइंट्स को, मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दें, ठीक है। दिस इज़ द वे टू स्टडी स्मार्टली। नाउ आई एम जस्ट कमिंग टूवर्ड्स पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं रखते और नहीं रखना भी चाहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि जब वो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस देखते हैं तो कहते हैं ओ माय गॉड इट्स वे टू लेंथी, फिर उसके बाद उनके ऊपर ज़्यादा तब मुश्किल आती है जब वो फिलासफर्स के नेम पढ़ लेते हैं कि इतने वियर्ड वियर्ड किस्म के उनके नेम्स होते हैं कि वो कहते हैं नो वी कैन नॉट डू दिस। फिर तीसरी बात तब आती है जब वो पॉलिटिकल साइंस की लाइक ट्यूटर्स ढूंढने जाते हैं, एंड फाइनली दे एंडेड अप के जो पॉलिटिकल साइंस के जो टीचर्स हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा चीज़ को कॉम्प्लेक्स करके पढ़ा रहे होते हैं, बहुत ही बोरिंग बोर तरीके से पढ़ा रहे होते हैं, इंटरेस्टिंग नहीं बनाते सब्जेक्ट को, और स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है और वो जो है फिर डिसाइड करता है कि ही मस्ट नॉट कंटिन्यू विद दिस सब्जेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज़ दैट कि पॉलिटिकल साइंस इतना बोरिंग नहीं है जितना आप लोगों को लगता है, फिलोसफर्स आर रियली वेरी इंटरेस्टिंग। आजकल जो आपकी सारी पॉलिटिकल फिलॉसफी चल रही है या जो आजकल आपकी पॉलिटिक्स है, इन सब का जो बेसिस है वो उनकी फिलॉसफी है, वो उनकी थ्योरीज हैं जिसके बेसिस पे आजकल जो है कंट्रीज रन हो रही हैं, डेमोक्रेसी, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, मेरिटोक्रेसी, थियोक्रेसी, ये सब फिलॉसफर्स ने दी थी, उन्होंने इनके ऊपर ब्रीफ लाइक फिलॉसफीज दी थी जिसकी वजह से वो आज स्टिल इम्प्लीमेंट हो रही हैं इन टूडेज वर्ल्ड, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम अपने कुछ फिलॉसफर्स पे, कि मैं वो आपको कुछ इंपॉर्टेंट फिलॉसफर्स का ओवरव्यू देने वाली हूँ। राइट नाउ मैम आई एम स्टूडेंट ऑफ थर्ड सेमेस्टर BS जूलॉजी, प्लीज़ गाइड मी हाउ टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस। हामिद करवान, देखो कोई चीज़ लाइफ में डिफ़िकल्ट नहीं होती, इफ़ यू थिंक इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन आवर साइकी, आपकी सारी दिमाग का गेम है। अगर आप ये चीज़ परसीव कर लेते हो कि नहीं मैं ये पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट कर लूँगा, इट्स नॉट बोरिंग, इट्स नॉट अ ड्राई सब्जेक्ट, इट्स नॉट लेंथी सब्जेक्ट, अगर आप ये अपने दिमाग को समझा देते हो ना, सो ट्रस्ट मी यू विल गोइंग टू एंजॉय दिस सब्जेक्ट। पॉलिटिकल साइंस इज़ टू लेंथी, हाउ टू टैकल इट स्मार्टली।
फैसल जान यूसुफ जई, आई एम ऑलरेडी सेइंग कि पॉलिटिकल साइंस बहुत ही ज़्यादा लेंथी है, यू हैव टू री ऑर्गेनाइज दिस सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट में ज़रूरी नहीं है कि आपने हर पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है प्रॉपरली फुल फ्लैच। इसमें आपने स्मार्टली वर्क करना है, आपने देखना है पास पेपर्स का ट्रेंड क्या रहा है, किस कौन से क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हुए क्वेश्चंस उन क्वेश्चंस पे आपने ज़्यादा ग्रिप करनी है। जैसे कि प्लेटो पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, अरिस्टोटल पे बहुत आए हैं, मोंटेस्क्यू पे बहुत आए हैं, हॉब्स पे काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं, जॉन लॉक की, कार्ल मार्क्स, दीज आर द मोस्ट वांटेड फिलोसफर्स इफ़ यू गोइंग टू प्रॉपरली एनालाइज द पास्ट पेपर्स। मैम प्लीज़, प्लेटो एंड अरिस्टोटल के आइडियल स्टेट में क्या डिफरेंस है? ओके, वल वलीद अहमद, प्लेटो ने आइडियल स्टेट दी थी और अरिस्टोटल ने कोई आइडियल स्टेट नहीं दी थी, उसने साइकिल ऑफ स्टेट्स दिया था। प्लेटो का आइडियल स्टेट जो है बहुत ही ज़्यादा टोटलिटेरियनिज्म कॉन्सेप्ट में बेस्ड था, जिसमें उसने जो है कम्युनिज्म ऑफ फैमिली कर दी थी कि हर चीज़ में स्टेट इंटरवीन करें, प्रॉपर्टी में इंटरवीन करें, फैमिली बनाने में भी स्टेट इंटरवीन करें। उसके बाद उसने स्टेट के लोगों को तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया था कि कुछ लोग जो हैं जो इंटेलिजेंट होंगे वो जो हैं फिलोसोफर किंग बनेंगे, जो इंटेलिजेंट नहीं होंगे जिनमें सिर्फ भूख प्यास होगी वो जो हैं वर्किंग क्लास में जाएंगे, फार्मर्स बन जाएंगे, ट्रेडर्स बन जाएंगे, और कुछ लोग जो जिनमें स्पिरिट होगा वो लो रैंक सोल्जर्स, लो रैंक सिपाही जो होते हैं वो बन जाएंगे। तो ये प्लेटो की आइडियल स्टेट थी। और जो उसकी थी अरिस्टोटल की, अरिस्टोटल ने स्टेट साइकिल दिया था, उसने कहा था कि पहले मोनार्की आती है, मोनार्की करप्ट हो जाती है, जब बहुत ज़्यादा करप्शन आ जाती है तो वो उसमें क्रूअल रूल टायरनी में चेंज हो जाती है, फिर लोग जो हैं बहुत कुछ लोग आते हैं रेवोल्यूशन लाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो वो जो आपकी मोनार्की है वो रिप्लेस हो जाती है बाय एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी में कुछ लोगों का रूल आ जाता है, फ्यू नोबल्स रूल करते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा एरिस्टोक्रेसी मतलब करप्ट हो जाती है तो वो ओलिगार्की में चेंज हो जाती है, और जब ओलिगार्की से लोग तंग आ जाते हैं तो फिर ज़्यादा सारे लोग रोडों पे आ जाते हैं और वो कहते हैं हमने इस ओलिगार्की के नीचे नहीं रहना। ये एरिस्टोक्रेसी की जब करप्शन होती तब वो ओलिगार्की में चेंज होती है, और जब लोग रोड पे आते हैं तो फिर आती है आपकी डेमोक्रेसी। तो ये उसने एक स्टेट साइकिल दिया था अरिस्टोटल ने, दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू। पॉलिटिकल साइंस विल गोइंग टू कवर इन 15 to 20 लेक्चर्स मोस्ट प्रॉबली इंशाल्लाह, प्लेटो की आइडियल स्टेट को। ओके, नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस अदर फिलोसफर्स। जैसे कि मैंने प्लेटो और अरिस्टोटल का बता दिया कि प्लेटो का मेन जो कॉन्सेप्ट था वो बेस्ड था आइडियल स्टेट पे, अरिस्टोटल ने कॉन्सेप्ट दिया था अपना, साइकिल ऑफ स्टेट्स दी थी, ठीक है। फिर उसके बाद हम अगले पे आ जाते हैं मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू आज जो आज आप देख रहे हैं सारी दुनिया की कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर है, जुडिशरी अलग है, एग्जेक्टिव अलग है, लेजिस्लेशन अलग है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह मोंटेस्क्यू है। मोंटेस्क्यू वाज द वन हु इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। उसने कहा कि मोंटेस्क्यू ने जब ये ऑब्जर्व किया इंग्लैंड में कि इंग्लैंड के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा खुश रह रहे हैं, तो उसने कहा इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक एंड बैलेंस है, कि लेजिस्लेशन जो है एग्जेक्टिव को चेक करी है और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको चेक करने वाली जुडिशरी बैठी हुई है, और जुडिशरी कुछ गलत कर रही है तो उसको चेक करने वाले लेजिस्लेटिव और एग्जेक्टिव लोग दोनों बैठे हुए हैं। तो उसने कहा ये जो मोंटेस्क्यू ने कहा कि सेपरेशन ऑफ पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर उसने कहा कि उसने फिर ये बताया मोंटेस्क्यू ने कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इन्वायरमेंट का लोगों पर। जैसे मोंटेस्क्यू ने कहा कि जो इंग्लिश लोग हैं वो कोल्ड एरिया में रहते हैं, ठंडे रीजन में रहते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत खुश हैं, क्योंकि उसने कहा जो ठंडे इलाके के लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर खून में ये चीज़ होती है कि वो इंडिपेंडेंट हो, और जो प्लेन एरियाज़ के लोग होते हैं या जो हॉट एरियाज़ के लोग होते हैं, ये मोंटेस्क्यू ने कहा कि वो उनमें जो होता है क्या कहते हैं लालच भी काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, और वो जो है ना मतलब चाहते हैं कि वो हर चीज़ को जमा करें, मतलब एक्यूमलेट करें,
तो फिर उसने एग्जांपल दी कि जैसे प्लेन एरियाज़ हैं वो एग्रीकल्चर एरियाज़ होते हैं, मतलब उसमें चीज़ें कल्टीवेट होती हैं, तो वहाँ के लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनें जमा करें। जो हिली एरियाज़ वाले लोग होते हैं उनके पास कोई भी चीज़ नहीं होती जमा करने के लिए, तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाते हैं, बहुत उनमें स्पिरिट होता है, ये मोंटेस्क्यू ने कहा था। अब ये इसकी ओवरऑल मैं आपको ओवरऑल व्यू दे रही हूँ, इसका डिटेल में मैं क्लासेस में अपने बताऊँगी। फिर उसके बाद हम चले जाते हैं अपने नेक्स्ट फिलासफर के पास, दैट इज़ हॉब्स। हॉब्स ने मतलब जितनी भी अपनी फ़िलासफ़ी की है उसमें उसने कहा कि जो नेचर है एक ह्यूमन की वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश और बहुत ही ज़्यादा वो खुदगर्स है, वो किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकती, और अगर स्टेट ना हो तो वो जो इंसान है वो कभी वो एक दूसरे से इतना लड़े कि बहुत कन्फ्लिक्ट्स हों और बहुत ज़्यादा बुरा हो जाए। तो ये आपने आपके हॉब्स ने कहा था। फिर इसके बाद हम चले जाते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की सारी थ्योरी रिवॉल्व करती है हैव एंड हैव नॉट्स के बीच में। उसने कहा कि क्लास डिवीजन हो गई है, क्लास डिवीजन की वजह से ही कन्फ्लिक्ट होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, और इसकी वजह से ही फिर रेवोल्यूशन आती है। पहले जो है कैपिटलिस्ट का रोल होता है, फिर लोग जो है लड़ते हैं कि हम लोगों ने कैपिटलिस्ट मतलब जो जिनके पास इंडस्ट्रीज होती हैं उनके अंडर नहीं रहना, और फिर उसको ओवरटेक करने के लिए जो है मिडिल क्लास आ जाती है। ये कार्ल मार्क्स की थी सारी फिलॉसफी जिसका मैं ओवरव्यू दे रही हूँ, बट इन डिटेल आई एम गोइंग टू टेल यू इन माय ओन क्लास, ठीक है, ओके। उसके बाद आपकी आ जाती है जॉन लॉकी। अच्छा, आप स्टूडेंट्स कहते हैं कि जॉन लॉकी ने क्या मतलब कहा या इसकी क्या चीज़ थी। इसने जो है सारी बात लिबर्टी पे की, ठीक है, इसने यही बात की कि मतलब लिबर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन देना चाहिए, क्योंकि किसी का भी अगर हम ओपिनियन सप्रेस करते हैं ना तो हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ को सप्रेस कर रहे होते हैं। तो ओपिनियन को हमें सप्रेस नहीं करना चाहिए, ओपिनियंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्या पता अगर वो ओपिनियन सही हो तो हमें फ़ायदा हो जाए, अगर वो गलत होगा ओपिनियन तो उससे एक कॉन्ट्रोवर्सीज पैदा हो जाएंगी और कॉन्ट्रोवर्सी से कोई ना कोई सच निकल जाएगा। ये जॉन लॉकी की एक थिंकिंग थी, ठीक है। उसके बाद आपका जो एक और फिलासफर है वो है बेंथम। बेंथम की अब जैसे बात है, बेंथम की सारी जो फिलासफी है ना वो यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट पे है। वो कहता है कि एक स्टेट जो है या एक गवर्नमेंट जो है उसमें लोग तब ही ज़्यादा हैप्पी होंगे अगर उसमें मैक्सिमम वो ऐसे लॉस जो हैं रेगुलेट करें या ऐसे लॉस फॉर्मुलेट करें जिससे मैक्सिमम हैप्पीनेस इंश्योर हो, द हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। ये बेंथम का सारा यही कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो ये मतलब मैंने आपको इंपॉर्टेंट फिलासफर्स के बारे में बताया कि ये क्या कहना चाहते थे। आई एम नॉट ओके ओके उस्मान शाहिद, आप जिन फिलासफर ऑथर्स के बारे में बता रही हैं वो पाक स्टडी सब्जेक्ट में नहीं आते थे। पाकिस्तान स्टडी में मैं कह रही हूँ पेपर टू जो है पॉलिटिकल साइंस का वो कवर करता है, मैंने पहले भी कहा पेपर वन नहीं कवर करता, मैं जिस फिलासफर्स का बता रही हूँ वो पेपर वन में आते हैं, और इन फिलासफर्स को आप लोग सोचते होंगे कि इररेलेवेंट पढ़ना, बट इन फिलासफर्स का आप रेफरेंसेस अपने एसे में दे सकते हैं, और अपनी और भी आप कुछ भी लिख रहे हो तो उसमें आप इन फिलासफर्स का मतलब एज अ रेफरेंस दे सकते हैं कि अगर आप सेपरेशन ऑफ पावर का लिख रहे हो तो आप ये लिख सकते हैं कि मोंटेस्क्यू वाज वेरी राइट, इफ़ यू वांटेड टू इंश्योर अ सक्सेसफुल स्टेट देन सेपरेशन ऑफ पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो मोंटेस्क्यू वॉज अगेंस्ट मोनार्की, तो आपने ये इस तरह अगर आप मोनार्की के बारे में करंट अफेयर में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो सो यू कैन गिव द रेफरेंस ऑफ मोंटेस्क्यू एज वेल। इससे एग्जामिनर को पता चलता है कि मतलब आपके पास बहुत ही ज़्यादा वास्ट नॉलेज है, ठीक है। अगर एग्जामिनर पूछे मोनार्की किस में है, क्या मुल्क में है, और आप सारे एक ही जैसा जवाब देंगे, कोई रेफरेंस नहीं देंगे, कोई कोटेशंस नहीं देंगे, कोई प्रोवर्ब्स नहीं देंगे, तो उसको कोई चीज़ इतनी अट्रैक्ट नहीं करेगी। सो ट्राई टू मेक योर राइटिंग क्वाइट अट्रैक्टिव फॉर एन एग्जामिनर। इकरामुल्ला बाबर, लाइक आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एन ऑप्शन ऑफ अपेयरिंग इन उर्दू इन सीएसएस, बट इन पीएमएस यू कैन अपेयर, आई गेस देयर इज़ एन ऑप्शन ऑफ उर्दू एज वेल, ओके मैम, ओके
ओके फाइन, साकिब अहमद, एनी स्पेसिफिक बुक विच कैन कवर करावान सिलेबस, करावान बुक ऑफ पॉलिटिकल साइंस कैन कवर द होल सिलेबस ऑफ पॉलिटिकल साइंस. लेकिन अगर आप करावान की बुक देखेंगे, आई एम हैविंग दैट बुक, वेट. सो इस बुक में ये है कि मतलब मैंने हाईलाइट की हुई, ऑल दो मतलब मैं व्हेन आई वाज मेकिंग माय नोट्स ओन नोट्स. तो ये आप देख सकते हैं इसमें इस तरह है कि ये हेडिंग्स नहीं है इस बुक में. लाइक यू हैव टू प्रॉपरली स्टडी दिस बुक. और बहुत ही आपको पढ़ते हुए बोरिंग फील हो गए इस बुक को, ये आप देख सकते हैं. लाइक देयर इज़ नो हेडिंग इन दिस बुक, यू विल बी फीलिंग बोरिंग. एंड इस बुक में लाइक इट्स अबाउट 900 पेजेस, ठीक है. सो आप व्हेनेवर यू विल गोइंग टू ओपन दिस बुक, तो आपको पता चलेगा कि सीरियसली सो मच टफ और बहुत ही लेंथी सिलेबस है. और यू विल गोइंग टू ड्रॉप दिस सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस फॉर श्योर. तो मैंने इसी वजह से ये सेशन अरेंज किया टू हेल्प ऑल दो स्टूडेंट्स जो अभी तक सिर्फ इसी कश्मकश में या इसी क्यूरियोसिटी में है या कि व्हाट सब्जेक्ट दे शुड गो फॉर, इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस. तो इसी वजह से आई हैव डिसाइडेड टू अरेंज अ काइंड ऑफ सेशन फॉर यू पीपल. अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स की इंक्वायरीज आ रही हैं कि मिस आप प्लीज़ फ्री पढ़ा लें. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कोई मसला नहीं है फ्री पढ़ाने में. बट द थिंग इज़ दैट कि फ्री में मेरे पास अबव 100+ स्टूडेंट्स हो जाएंगे. एंड आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐप ऑफर करती है कि यू कैन लाइक टीच अबव 100 स्टूडेंट्स विदाउट एनी पेमेंट, ठीक है. अगर जूम में भी आपने पढ़ाना है, यू हैव टू पे फॉर दैट सॉफ्टवेयर एज वेल, ठीक है. और अगर कोई इंसान, जैसे बेंथम ने कहा था, इफ समवन इज़ डूइंग समथिंग विदाउट अ रिवॉर्ड, तो वो कभी भी वो चीज़ अच्छी तरीके से नहीं कर सकता, ठीक है. तो ये आपकी पॉजिटिव जो री इन्फोर्समेंट है, ये तो साइकोलॉजी में भी बहुत क्लियरली उन्होंने बताया हुआ है. तो अगर कोई बंदा रिवॉर्ड के बिना कर रहा होगा, तो ऑफकोर्स वो बंदा उस तरह हार्डवर्क नहीं करेगा, किसी पे मेहनत नहीं करेगा. सो फिर भी लोगों को हेल्प करने के लिए मैंने बहुत ही नॉमिनल फ़ी रखी है, विच इज़ 4000. आपके ट्रस्ट मी, 4000, 2000, 1000 से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. आई जस्ट हैव सजेस्टेड दिस फीस टू द बहरिया सीएसएस इंस्टीट्यूट ओनली टू हेल्प यू आउट, ठीक है. और आई डोंट थिंक सो कि 200 मार्क्स का इतना बड़ा सब्जेक्ट, इतनी लेंथी सिलेबस के साथ, इतने टफ फिलोसफर्स के साथ कोई आपको 4000 में करवाएगा विद द प्रॉपर टीचर नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, जो मैंने आप यू कैन सी कि मैंने हाईलाइट कर करके बुक से बनाई है. सो इट इज़ द टफेस्ट थिंग वन कैन डू. वॉट इज़ रिलेशनशिप ऑफ आइडियोलॉजी फॉर ऑफ पॉलिटिकल फॉर पॉलिटिकल टू पॉलिटिकल पावर, रिलेशनशिप ऑफ आइडियोलॉजी टू पॉलिटिकल पावर. पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ आपकी डिफरेंट होती हैं. जैसे कि आपकी इंडिया है, तो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और उसकी आइडियोलॉजी क्या है, वो डेमोक्रेसी की आइडियोलॉजी भी नहीं चलता. इंडिया डज नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ पीपल, रूल बाय द पीपल, रूल फॉर द पीपल. वो पूरा का पूरा टोटलिटेरियन स्टेट बन चुका है. रोशनी, काइंडली टेल मी द बेस्ट बुक फॉर पॉलिटिकल साइंस विच कवर्स ऑल सिलेबस. अब्दुल मनान, आई एम टेलिंग यू द बेस्ट बुक विच आई हैव परचेज. लाइक दिस इज़ द बेस्ट बुक ऑफ पॉलिटिकल साइंस. आई फेल्ट इट लाइक एंड आई हैव स्टडीड इट थॉरली. यू कैन सी द वे आई हैव हाईलाइट इट आउट. So I felt like this is the good book to study political science, but this book is like way too lengthy, way too like heavy to even hold this book. तो ये आप पे depend करता है how you going to cover it. अगर आप ये सोचते हैं कि आप self study से political science cover कर लेंगे, तो I think ये आप लोगों की बहुत ही बड़ी mistake है. You are just wasting your time. क्योंकि philosophers बहुत ही ज़्यादा dry होते हैं अगर आपको कुछ समझाने वाला ना हो, and if you are not taking interest. सो पॉलिटिकल साइंस इज़ नॉट अ सब्जेक्ट जो आप घर बैठ के सेल्फ स्टडी करके कवर कर सकते हैं. यू नीड अ मेंटोर फॉर दिस सब्जेक्ट ऑलवेज. कैन यू टेल मी द बेस्ट बुक? ओके, आई हैव टोल्ड यू द बेस्ट बुक अब्दुल मनान. एनी स्पेसिफिक बुक विच कैन कवर एंटायर सिलेबस? आई हैव टोल्ड. एंड प्लीज सजेशन फॉर बिगनर्स, हाउ शुड दे स्टार्ट? वेल, शफीक अवान, मैंने अपनी स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो मैंने सारा बताया था कि बिगनर्स कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कि वो दो ऑप्शनल स्टार्ट कर लें और साइमल्टेनियसली दो कंपलसरी सब्जेक्ट स्टार्ट कर लें और साइमल्टेनियसली एक ऑप्शनल सब्जेक्ट साथ
तैयार करें। मैम, प्लेटो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, कम्युनिज्म एंड जस्टिस, ये सब आइडियल स्टेट में ही आता है। जी वलीद अहमद, प्लेटो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, कम्युनिज्म, जस्टिस, ये सब आइडियल स्टेट का ही हिस्सा है। सो इन केस इफ यू विल बी गेटिंग अ क्वेश्चन रिगार्डिंग रिपब्लिक, कि राइट अ नोट ऑन अ रिपब्लिक ऑफ प्लेटो, तो इसमें आपने आइडियल स्टेट का ही लिखना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने क्वेश्चंस किस तरह अटेम्प्ट करने हैं। तो जो मैं अपना सेशन करवा रही हूँ, जो मेरा बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया फ्रॉम फर्स्ट में, उसमें मैं पास्ट पेपर्स भी साथ साथ टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवा रही हूँ। जैसे इन आवर लास्ट लेक्चर वी हैव डन प्लेटो, तो उसमें हमने प्लेटो के पिछले लास्ट 20 ईयर्स के सारे पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस किए थे, कि हाउ टू मेक द आउटलाइन, हाउ टू आइडेंटिफाई द की टर्मिनोलॉजीज, हाउ टू मेक द हेडिंग्स एंड हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चंस आए जाएं तो आपने समझना कैसे है, मतलब क्वेश्चन समझना इज़ द बेसिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन CSS एंड PMS एग्जामिनेशन। ये नहीं होता कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा हो कि व्हाट डू यू थिंक, अरिस्टोटल इज़ ग्रेट बट नॉट अ ग्रेटफुल स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए। अब इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स कैसे अटेम्प्ट करेंगे, पहले अरिस्टोटल का बैकग्राउंड दे देंगे कि अरिस्टोटल यहाँ पैदा हुआ, फिर अरिस्टोटल ने ये थ्योरीज दी, कॉन्सेप्ट ऑफ स्लेवरी दे दिया, साइकिल ऑफ स्टेट दे दिया, फिर उसके बाद वो आके प्लेटो की थ्योरीज बता देंगे। अब इसमें एग्जामिनर को पता चल जाएगा आपके इंट्रोडक्शन से ही कि स्टूडेंट को क्वेश्चन समझ नहीं आया, एग्जामिनर फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा और आपको 2 मार्क्स दे देगा। अब क्वेश्चन है, अरिस्टोटल इज ग्रेट बट नॉट ग्रेटफुल स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। अब क्वेश्चन ये है, इसको आपने समझना है, वो क्या कह रहा है, वो इसने एक स्टेटमेंट दिया, आपने कहना है नो डाउट अरिस्टोटल इज ग्रेट, उसके बहुत ही ज़्यादा काम थे, उसने जो है बहुत उसने कॉन्सेप्ट ऑफ स्लेवरी दिया था, उसने कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट दिया था, बट अरिस्टोटल एक अच्छा स्टूडेंट इज नॉट अ ग्रेटफुल स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, बिकॉज उसने अपनी सारी फिलॉसफी प्लेटो के क्रिटिसिज्म में गुजार दी। फिर आपने आगे बताना है कि क्रिटिसिज्म क्या किया था उसने उसकी प्लेटो की, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिज्म पे, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस में, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन पे, ये बताना है। अब ये नहीं आपने बताना कि प्लेटो किस बैकग्राउंड का था, अरिस्टोटल किस बैकग्राउंड का था, फिर वो स्टूडेंट किस तरह बन गया, प्लेटो की अकेडमी में अरिस्टोटल पढ़ता था, नो नॉट एट ऑल। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन व्हिच एक्चुअली एन एग्जामिनर वांटेड टू आस्क फ्रॉम यू, ठीक है। साकिब, आई हैव ऑप्ट सोशियोलॉजी बट दिस मैथड इज़ वेरी एक्यूरेट, ओके फाइन, थैंक यू। उस्मान शाहिद, आप जिन फिलोसफर्स और ऑथर्स के बारे में पास्ट स्टडीज में मैंने बता दिए, ओके, प्लीज़ टेल मी अबाउट एम ए पाकिस्तान स्टडी एंड एम ए सब्जेक्ट्स हैव रोल इन CSS। मास्टर्स पाकिस्तान स्टडी, ऑफ कोर्स, अगर आपका बैकग्राउंड मास्टर इन पाकिस्तान स्टडी है या मास्टर इन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, आपको हेल्प नहीं करेगा CSS में। फाइव टू सिक्स पेजेस पर क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स, ये लेंथ होनी चाहिए। द एज लिमिट फॉर डूइंग CSS इज 30 ईयर्स, और कुछ लोग अगर 23, 24 या 21 के हैं तो दे शुड नॉट वेस्ट देयर टाइम, क्योंकि जितने आप यंग होते हैं उतना ही आपका तेज़ ब्रेन चलता है। अब जैसे मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स थे 21 के, तो वो कहते थे मैम वी आर थिंकिंग टू डू मास्टर्स इन दिस सब्जेक्ट, इन दैट सब्जेक्ट, वी आर थिंकिंग टू डू MPhil। ट्रस्ट मी, अपना दिमाग इतना ज़्यादा उस चीज़ पे ज़ाया ना करें जो आपके लिए कल को फ्रूटफुल ना हो। अगर आप सच में गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो अपना दिमाग उसकी तरफ कर दें, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, क्योंकि एजुकेशन आजकल PhD भी तक आप कर सकते हो आराम से, लेकिन आपकी उम्र ख़त्म हो जाती पढ़ते पढ़ते। पढ़ाई के लिए कोई उम्र नहीं है, मास्टर आप जो है 31 में भी कर सकते हो, MPhil आप 34 में भी कर सकते हो, PhD आप 40 में भी कर सकते हो, लेकिन CSS के लिए 30 एज लिमिट है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डोंट मेक योर सेल्फ गेट कन्फ्यूज,
रिगार्डिंग व्हाट टू चूज, सीएसएस और टू डू एमफिल, डोंट गो फॉर दैट थिंग, क्योंकि सारी ज़िंदगी पड़ी है आपकी पूरी एजुकेशन करने के लिए पीएचडी तक, लेकिन सीएसएस के लिए एक एज लिमिट है, हर एग्जामिनेशन के लिए एक एज लिमिट है, डोंट वेस्ट योर एज. मैम सजेस्ट मी, आई एम डूइंग बीएससी इन डबल मैथ एंड कंप्यूटर साइंस, हाउ स्टार्ट माई प्रिपरेशन ऑफ सीएसएस. मैंने बता दी स्टार्ट करने का सीएसएस की प्रिपरेशन का तरीका, आर्टिकल्स पढ़ो, साथ में वोकैबुलरी पे काम करो अपने, और साथ में कोई भी सीएसएस का ऑप्शनल सब्जेक्ट उठा के उसको पढ़ो, सो यू विल लाइक एंड यू विल इन्जॉय. मैम पॉलिटिकल साइंस विद इन वन मंथ हो जाएगी. गफार हुसैन, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, पॉलिटिकल साइंस की इतनी मोटी बुक है, और वो भी एक बुक में बता रही हूँ, इसकी बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस बुक हैं अगर आप एफपीएससी की साइट पे देखें तो. अगर आप एक न्यू कमर हैं और आप बिगनर हैं तो ये एक मंथ में नहीं हो सकती विदाउट अ प्रॉपर मेंटोर. हाँ, अगर आपके पास एक अच्छा टीचर है, अच्छा मेंटोर है, तो वो एक मंथ में करवा सकते हो. हाउ डज पॉलिटिकल साइंस, फहीम मुनावर, आजकल हमारी सोसाइटी में जो भी चीज़ चल रही है उसका जो बेसिस था वो पॉलिटिकल साइंस से ही शुरू था. पॉलिटिकल साइंस इज़ द मदर ऑफ ऑल सोशल साइंसेज, यू नो ऑल नो इट क्वाइट वेल. पॉलिटिकल साइंस की प्रेविलेंस आज बहुत ज़्यादा है. आप अगर आपने गवर्नमेंट सिस्टम को प्रॉपरली समझना है तो आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना पड़ता है, ठीक है. और उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस में आप लोकल गवर्नमेंट, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, ये सब कुछ पढ़ते हैं, जिसकी आप अगर सीएसएस में आपको अगर नहीं भी फ़ायदा हुआ, अगर आप सीएसएस फेल भी कर गए तो सारी ज़िंदगी के लिए आपको समझ आ जाएगी कि आपका गवर्नमेंट कर क्या रही है और आपकी गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट में लेजिस्लेशन का क्या रोल होता है, जुडिशरी का क्या रोल होता है, एग्जीक्यूटिव का क्या रोल होता है. फरीद सदीकी, अगर आपके करंट अफेयर्स अच्छे हैं, इफ़ यू आर गुड इन रीडिंग मैगजीन, फॉरेन मैगजीन, न्यूयॉर्क टाइम्स, डिप्लोमेट, इस तरह के अगर आप मैगजीन्स और आर्टिकल्स पढ़ते हो और आपका एनालिसिस बहुत अच्छा है, क्रिटिकल एनालिसिस, देन यू शुड गो फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस. लेकिन अगर आप इतने ज़्यादा मतलब शौक़ नहीं रखते फॉरेन मैगजीन्स का, इकोनॉमिक्स का एंड डिप्लोमेट, न्यूयॉर्क टाइम्स का, देन यू शुड नॉट आउट ऑप्ट आउट दिस सब्जेक्ट, बिकॉज ये बहुत ही इंटरनेशनल रिलेशन अनप्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट है. ये अपने सिलेबस तक ही मतलब वो नहीं है, कंसाइज सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें बहुत ही वास्ट स्टडी चाहिए और इसका पेपर बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल आता है, कुछ भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है. शकूरुल्ला खान, हाउ टू कवर पॉलिटिकल साइंस विदाउट मेंटोर, एनी पॉसिबिलिटी? वेल, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इफ़ यू वर्क हार्ड, सो पॉसिबिलिटी इज़ देयर, बट फिर उसके लिए आपको दिन रात एक करनी पड़ेगी, और अगर आप विदाउट मेंटोर प्रिपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली इट यू विल फील लाइक इट्स अ वेरी बोरिंग एंड लेंथी सब्जेक्ट, क्योंकि आपको नहीं पता होगा क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कौन से फिलासफर्स करने हैं, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशंस करनी है, कौन सी फॉर्म ऑफ आइडियोलॉजीज का इंपॉर्टेंट है. तो आप जब इतना कुछ देखेंगे तो ऑब्वियसली आपका देखने से ही आपका ये एक नेचुरल सा फिनोमेना है कि आपका ब्रेन जो है ना थक जाता है, टायर्ड हो जाता है. उस थकावट की वजह से यू विल गोइंग टू टेक 4 months, 3 to 4 months टू कम्प्लीट ओनली पॉलिटिकल साइंस. टीचर माई इच इज़ फाइन फॉर सी एस एस बट देर इज़ अ प्रॉब्लम. ओके मैम, अगर आपको ट्यूटर रखा हो, ऑफकोर्स मैनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग क्लासेस फ्रॉम मी, लाइक आई हैव इनरोल्ड ऑलमोस्ट 50+ स्टूडेंट्स और मेरे डिफरेंट सेशंस हैं एंड दे आर इंजॉइंग द क्लास और उनका फीडबैक बहुत अच्छा है, बिकॉज मैं रोज़ के रोज़ टॉपिक वाइज असाइनमेंट देती हूँ, टॉपिक वाइज वी प्रैक्टिस पास पेपर्स वो भी लास्ट 20 ईयर्स के, फिर मैं उनको सजेशंस देती हूँ कि हाउ दे कैन इम्प्रूव देयर राइटिंग एंड हाउ दे कैन इम्प्रूव देयर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स. वट इट्स योर नेम एंड आई डी फॉर नेक्स्ट जॉइन? वेल उस्मान शाहिद, यू कैन जॉइन द लिंक विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स.
व्हाट्सएप चैट बॉक्स में लिंक गिवन है, उसको आप ज्वाइन कर लें और उधर आई एम गोइंग टू टेक्स्ट आफ्टर सम टाइम, सो यू कैन टेक्स्ट मी पर्सनली और एनी वन कैन टेक्स्ट मी पर्सनली जिसको जो प्रॉब्लम हो या जो भी पूछना हो। मैम ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन से होने चाहिए? सना खान वही मैंने बताया, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स वो होने चाहिए जो और एक दूसरे में ओवरलैप करें और जो एक दूसरे से हेल्प करें। मिस यू डिड नॉट, इफ आई चूज पॉलिटिकल साइंस फॉर सीएसएस बट आई फेल्ड इन सीएसएस, इन विच अदर फील्ड पॉलिटिकल साइंस विल बी हेल्पफुल? अगर आप पॉलिटिकल साइंस चूज़ करते हैं और आप फेल हो जाते हैं सीएसएस में, तो सीएसएस के अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं लाइक दिस पीएमएस पीपीएससी, तो पॉलिटिकल साइंस आपको इन और सब्जेक्ट्स इन और एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगा। मैम सीएसएस के लिए हम सीएसएस के लिए ट्रिब्यून आपको पढ़ना चाहिए, डिप्लोमेट बहुत अच्छा मैगज़ीन है वो पढ़ना चाहिए, इसके अलावा ग्लोबल पॉइंट का इट्स अ वेरी गुड मैगज़ीन आई हैव रेड इट, ये पढ़ने चाहिए। ओके वलीद यू कैन ज्वाइन माई क्लास इफ़ यू रियली वॉन्टेड टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस। आरिफ हुसैन आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू कंडेम और क्रिटिसाइज एनी सी एस एस अकेडमी, ट्रस्ट मी हर एकेडमी गुड होती है अगर उसके जो मेंटोर्स हैं वो हेल्पफुल हों, वो समझें, मतलब अगर एक मेंटोर फील करे अपने आप को एक स्टूडेंट की जगह रख कर के स्टूडेंट किस तरह फील करता है, तो वो एक अच्छा मेंटोर बन जाता है। मतलब अगर आपके साथ सीएसपी का टैग लगा हुआ है या आपके साथ किसी डिग्री का टैग लगा हुआ है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द आर्ट ऑफ टीचिंग एंड नॉट एवरी वन नोज द आर्ट ऑफ टीचिंग, ओनली फ्यू कैन टीच वेल, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। जब भी आप कोई चीज़ ऑप्ट आउट करो सो जस्ट गो एंड सी टेक अ क्लास ऑफ डैट मेंटोर डेमो क्लास कि वो उसको क्या आता है सच में, उसके पास नॉलेज है। मैम व्हाट अबाउट यूरोपियन हिस्ट्री, काइंडली सजेस्ट एनी ट्रिक एंड गुड वे टू क्रैश यूरोपियन हिस्ट्री सिलेबस। मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बता दी, वो एक यूनिवर्सल काइंड ऑफ स्ट्रेटजी है, जब आप कोई बुक पढ़ रहे हो हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट दोज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर नोट को कॉपीज, तो आपके नोट्स तैयार होंगे। स्मार्ट वर्क करना सीखो, पहले किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले उसके पास पेपर्स एनालाइज करो कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको एक पेपर पर नोट डाउन कर लो और वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले उनको करो, फिर जो रह जाए फिर सिलेबस में देखो कंपेयर करो और फिर वो उनका ओवरव्यू ले लो। मैम कंपल्सरी बुक्स कौन कौन सी लें प्लीज़ टेल मी, डबल मैथ कैन स्कोर मी इन सी एस एस इफ आई विल सेलेक्ट इन माई ऑप्शनल सब्जेक्ट बिकॉज मैथ इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। इट्स नॉट ऑल अबाउट स्कोरिंग, इट्स ऑल अबाउट कि एक सब्जेक्ट मैथ आपको और किस सब्जेक्ट्स में हेल्प करेगा, ये आपने ज़रूर देखना है। ओके फाइन स्टूडेंट्स, आई एम अगेन सेइंग कि मुझे सीरियसली बहुत खुशी होती कि मैं अगर आप लोगों को फ्री पढ़ा लेती, लेकिन मैं फ्री नहीं पढ़ा सकती क्योंकि इंक्वायरीज आ रही हैं, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी वजह उसकी ये है कि फ्री में अबव 200 प्लस भी हो सकते हैं, अबव 100 प्लस भी हो सकते हैं, कोई भी ऐसी ऐप नहीं है जो फ्री में 100 से ज़्यादा लोगों को पढ़ाने का आपको मौका दें। अगर आप जूम ऐप भी देख लें, यू हैव टू परचेज दैट ऐप एज वेल, और उसके अलावा नो वन गोइंग टू टीच यू विदाउट रिवॉर्ड, और मैं कोई इतना बड़ा मैंने रिवॉर्ड नहीं रखा हुआ, पॉलिटिकल साइंस में बहुत मेहनत चाहिए होती है, इसके नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ मैं, जो लाइक टू द पॉइंट नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ, उसमें बहुत ही मेहनत चाहिए, और ऑब्वियसली जब बंदा इतनी मेहनत करता है सो एवरीवन इज़ हियर टू गेट सम रिवॉर्ड, इवन वी आर डूइंग लाइक हम नमाज पढ़ते हैं, हम इबादत करते हैं, हम रोज़ा रखते हैं, तो हमें अल्लाह ताला ने कुरान में बताया हुआ है कि इसका रिवॉर्ड ये है कि यू विल गोइंग टू गेट जन्नत, ऐसा ही है, तो वो एक हमारे लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जाती है। अगर
कोई भी इंसान फ्री में पढ़ाने का कहता है या क्लेम करता है तो उसके लिए कोई पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं है, वो आप पे प्रॉपर अटेंशन नहीं देगा और आपको एक अच्छी तरीके से गाइड अच्छा नहीं पढ़ाएगा सिंसियर होके। मैम हेल्थ का कितना रोल है प्रिपरेशन में? मैंने मीन स्टेमिना फोकस, इस हेल्थ का ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रोल है हर चीज़ में। हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू प्रिपेयर वॉन्टेड टू प्रिपेयर एनी थिंग आपको इंडिविजुअल पढ़ाने के लिए। थैंक यू वलीद फॉर योर सो सपोर्टिव कमेंट। बिगनर तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें? मैंने जैन बताया है बिगनर की तैयारी कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। करंट अफेयर मैगजीन्स, वोकैबुलरी वर्ड्स एंड जस्ट चूज़ वन ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसको आप साथ साथ प्रिपेयर करो। इस तरह ना करें, बिगनर्स पता है CSS की क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हम पहले ना कंपल्सरी सब्जेक्ट्स तैयार कर लेते हैं 6, ठीक है, उसके बाद वो जो है ना 2 हफ्ते ये सोचने में लगा देते हैं कि उन्होंने ऑप्शनल्स क्या रख रहे हैं। कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले मुश्किल चीज़ को पहले करना चाहिए और आसान आखिर में छोड़नी चाहिए, ये मेरा तजुर्बा है। जब आप किसी पहाड़ पे चढ़ते हो, मतलब आप किसी माउंटेन पे चढ़ते हो, तो जब आप चढ़ रहे होते हो तो वो बड़ा मुश्किल होता है, और जब आप हाइट के करीब पहुँचते हो तो आप जो है मतलब बड़ा आसानी से पहुंच जाते हैं, और जब आप उतर रहे होते हो तो उतरना बड़ा आसान होता है। तो मुश्किल चीज़ हमेशा पहले शुरू करनी चाहिए और आसान एंड पे छोड़ देनी चाहिए, कि अगर खुदा ना खास्ता टाइम कम भी हुआ तो आसान सब्जेक्ट जल्दी कवर हो जाएगा, लेकिन अगर मुश्किल सब्जेक्ट हुआ तो वो तो कवर ही नहीं हो पाएगा। अब मोस्टली क्या स्टूडेंट्स करेंगे, पहले कंपलसरी सब्जेक्ट्स कवर कर लेंगे 6, उसके बाद कहेंगे कि यार आसान सब्जेक्ट्स ना ऑप्शनल्स में से कवर कर लेते हैं, सोशियोलॉजी कर लेंगे, जेंडर कर लेंगे, क्रिमिनोलॉजी कर लेंगे, आई लॉ कर लेंगे, उसके बाद IR और पॉलिटिकल साइंस एंड के लिए छोड़ देंगे, कि आखिरी महीने में ना बैठ के इंटरनेशनल रिलेशंस या पॉलिटिकल साइंस करेंगे। उस टाइम जो है ना IR ना होता है ना ही पॉलिटिकल साइंस होता है, क्योंकि आपका ब्रेन ऑलरेडी बहुत थक चुका होता है। जब आपका ब्रेन फ्रेश हो ना तो मुश्किल चीज़ स्टार्ट करो। यूज़ योर फ्रेश ब्रेन और यूज़ योर एनर्जी टू डू समथिंग हार्ड। मोहम्मद सुहेल खान, पाकिस्तान अफेयर पेपर इसलिए ज़्यादा मतलब सेफ और स्कोरिंग नहीं है क्योंकि उसमें उसका सिलेबस काफ़ी है, ज़्यादा प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है उसमें, तुगलक डायनेस्टी, गाजी डायनेस्टी, गौरी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, मुग़ल्स, औरंगज़ेब, जहांज़ेब, जहांगीर सॉरी, और अकबर, इस तरह की जो होती है प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री और पुरानी जो बातें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स को बोरिंग लगती हैं, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स उस हिस्से को पूरे को छोड़ ही देते हैं, और जब वो पेपर में जाते हैं तो उस हिस्से से कोई क्वेश्चन आया हो खुदा ना खास्ता तो उसकी वजह से वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते उसको अच्छी तरीके से, चॉइस नहीं होती क्वेश्चन में और स्कोर काफ़ी कम आता है। वलीद अहमद, मैंने उसमें व्हाट्सएप पे एक वो दिया हुआ लिंक, उस पर यू कैन टेक्स्ट मी ऑन दैट लिंक, ठीक है, आई एम द एडमिन ऑफ दैट ग्रुप, सो उसके बाद आई विल टेल यू प्लीज। मैम विच इज़ द बेस्ट बुक फॉर CSS वोकैबुलरी? ओके, anyone else, any question? So, आज हमने जो हमारी डिस्कशन थी वो काफ़ी फ्रूटफुल रही। आज हमने देखा कि फिलोसफर्स कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, उसके अलावा हमने ये देखा कि आप किस तरह स्मार्टली स्टडी कर सकते हो। फिर से मैं वो रिपीट कर देती हूँ बात स्मार्टली स्टडी करने की, कि पहले आपने रीडिंग करनी है, हाईलाइट करना है, पॉइंट्स जो है नोट कॉपी पे लिखने हैं, और उस पॉइंट्स को जब आप नोट कॉपी पे लिखोगे तो आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे, और फिर उनको रिवाइज करना है, ठीक है, ये एक स्मार्ट स्टडी का वे है।
और उससे पहले, सब चीज़ों से पहले आपने पास पेपर्स प्रॉपर्ली एनालाइज करने के, कौन से मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं पास पेपर्स में, उनको एनालाइज करके नोट डाउन कर लें एक पेज पर और फिर वो स्टार्ट करें। अब जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मैंने क्या किया कि मैंने पढ़ाने से पहले पास पेपर सारे 20 साल के उठाकर उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, रिपीटेड क्वेश्चंस लिख लिए एक पेज पे, नोट डाउन कर लिए, जो मैं ड्यूरिंग माय क्लास, ड्यूरिंग माय सेशन मैं पावर पॉइंट पर शेयर करती हूँ। फिर हम लोग पास पेपर्स के क्वेश्चंस देखते हैं और फिर मैं ये कहती हूँ कि आप देखें, जो मैं पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, क्या ये मेरे सारे पॉइंट्स पास पेपर्स के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, क्या आप लोगों को समझ आ रहा है कि क्या जो मैंने पॉइंट्स दिए, टू द पॉइंट मैंने बातें लिखी हैं आफ्टर स्टडिंग 3-4 बुक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, क्या ये आपको हेल्प कर रही है टू कवर और टू अटेम्प्ट द पास पेपर्स क्वेश्चन। फिर मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ एनालाइज करें, फिर वो मुझे बताते हैं कि यस मैम, दे आर योर पॉइंट्स, योर स्लाइड्स आर हेल्पिंग अस, योर नोट्स आर हेल्पिंग अस टू कवर पास पेपर्स क्वेश्चन, तो फिर जो है उन वो अटेम्प्ट करते हैं। अब मैंने जो अपनी नोट्स बनाए वो पहले पास पेपर्स को देखते हुए ही बनाए हैं कि मेरे नोट्स में वो सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हों जो पास पेपर्स में पूछे गए हैं। अब टीचर्स क्या करते हैं बेसिकली पॉलिटिकल साइंस के, वो होते ही हैं कि उन्होंने एमए किया होता है या कुछ किया होता है पॉलिटिकल साइंस में, आई जस्ट डोंट वांट टू क्रिटिसाइज एनी टीचर, लेकिन वो क्या करते हैं, बहुत ही डीप चीज़ में चले जाते हैं पॉलिटिकल साइंस के, कि प्लेटो कौन था, मरा कब, किस जगह पर पैदा हुआ, उसकी फ़िलासफ़ी किस चीज़ों ने असर किया, उसने फ़िलासफ़ी क्यों की, उसके बाद उसको बीमारी क्या हुई थी, उसके बाद उसकी फ़िलासफ़ी, मतलब पुरानी, बहुत ही पुरानी बातों में चले जाते हैं, डिटेल्स में, जो एक इरेवलेंट चीज़ है और टू द पॉइंट बात पे नहीं आते। फिर टीचर्स आप लोगों को डिक्टेशन के थ्रू नोट्स लिखवाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा, इतने ज़्यादा हैवी किस्म के वो नोट्स लिखवा देते हैं कि वो एक वन लाइनर नोट्स नहीं रहते। तो मैंने अपने खुद वन लाइनर नोट्स बनाए थे व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सीएसएस। मैम ग्रुप में सारे, सॉरी, और यस एग्जैक्टली, मैंने दोबारा मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग नॉन सीरियस हैं, जो लोग नहीं पढ़ना चाहते, जो लोग अपनी लाइफ में मतलब कुछ नहीं बनना चाहते और ज़िंदगी में उनका एक पर्पस है टू कंडेम अदर्स, टू डिसरिस्पेक्ट अदर्स, तो वो प्लीज़ मतलब इस सेशन को ना ज्वाइन करें, ना अपना टाइम बर्बाद करें, ना एक मेंटोर का टाइम बर्बाद करें। जो लोग सच में CSP बनना चाहते हैं, PMS क्लियर करना चाहते हैं और कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, जिनका ध्यान अपने जूतों कपड़ों को छोड़ के, अपनी लुक्स को छोड़ के अपनी पढ़ाई पे है, देन दे शुड ज्वाइन माई सेशन, दे शुड ज्वाइन माई क्लास। तो यू विल कम टू नो कि आपने जो 4,000 है वो ज़ाया नहीं किए, उसका आपको बहुत फ़ायदा हुआ है, उसका वो बड़ा फ्रूटफुल रहा है आपके लिए सेशन, किससे आपका इतना मेजर सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट, इतना टफ ड्राई सब्जेक्ट, जो लेंथी सब्जेक्ट आपको लगता था, वो कवर हो गया। मैम आई एम अ सीएसएस स्टूडेंट, वीके कैसे, जिसकी सीएसएस वीके वो इंग्लिश ग्रामर पे काम करिए, यू आर लुकिंग वेरी क्यूट मैडम जी। जैन मलिक, पॉलिटिकल साइंस के ओवरलैप सब्जेक्ट्स मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी, सोशियोलॉजी ओवरलैप करती है, जेंडर स्टडीज़ करती है, अमेरिकन हिस्ट्री करती है, और अमेरिकन हिस्ट्री, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडीज़, करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स ओवरलैप करता है। इकराम रबानी की पाकिस्तान स्टडी की बुक काफ़ी अच्छी है, उस्मान शाहिद। हारिस भट, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्रुप इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अगर आप देखें वीडियो के ऊपर होगा व्हाट्सएप ग्रुप की, मैंने डिस्क्रिप्शन उसमें दी हुई है, वो आप ज्वाइन कर लो, लिंक यूज़ करके।
आसिफ सुलेमान, मैं इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिकल साइंस के बारे में बहुत बार बता चुकी हूँ। इंटरनेशनल रिलेशन अनप्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट है, इसका स्कोरिंग ट्रेंड इतना अच्छा नहीं रहा, बहुत बच्चे फेल हो चुके हैं, बहुत बार हिट हो चुका है CSS में। पॉलिटिकल साइंस अब तक एक बार भी हिट नहीं हुआ, स्कोरिंग ट्रेंड इसका काफ़ी अच्छा रहा है और अनप्रिडिक्टेबल नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए मैंने हार्सरेस बट आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। एनीवन एल्स प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस, इफ़ यू आर हैविंग एनी क्यूरी रिगार्डिंग CSS देन लेट मी नो। राना तलहा सॉरी, आई विल टेल यू दैट इन द व्हाट्सएप ग्रुप, बिकॉज आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू फ्रेस माई सेल्फ और टू टेल एनी थिंग रिगार्डिंग माई सेल्फ इन दिस फेसबुक लाइव सेशन। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स वो होने चाहिए जो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करें। अगर आप IR रखते हैं तो आई लॉ रखें साथ, पॉलिटिकल साइंस रखते हैं तो उसके साथ आप सोशोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, जेंडर स्टडीज, अमेरिकन हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रख सकते हैं, ठीक है। जनरल नॉलेज को ना, मतलब जनरल नॉलेज कुछ चीज़ों में डिवाइड है, ठीक है। करंट अफेयर्स अपने इम्प्रूव करें, पाकिस्तान अफेयर्स इम्प्रूव करें, एनालिटिकल रीजनिंग अपनी इम्प्रूव करें, उसके बाद जनरल नॉलेज मीन्स कि आप हर डोमेन में देखें कि इम्पॉर्टेंट डेज कौन सी हैं, इम्पॉर्टेंट करेंसीज कौन सी हैं, इम्पॉर्टेंट कंट्रीज की कैपिटल्स कौन सी हैं। दिस इज़ द वे टू इम्प्रूव योर जनरल नॉलेज। डैम्स कौन से हैं, और फिर करंट में देखें कि इम्पॉर्टेंट लीडर्स कौन से हैं, इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज कौन सी हैं, ठीक है। नो जुनेद मोमिन, पॉलिटिकल साइंस विद सोशोलॉजी कैन नॉट बी अ वेरी ड्राई कम्बिनेशन। कलीम सार्क, पॉलिटिकल साइंस आपको मैं बार बार बता चुकी हूँ कि अगर आप CSS नहीं क्लियर करते तो PMS दे दें, PMS नहीं क्लियर होता तो और भी आप लोगों ने गवर्नमेंट जॉब्स एग्ज़ाम्स देने ही हैं, तो उसमें आप जब पाकिस्तान अफेयर्स तो हर गवर्नमेंट जॉब के टेस्ट में मस्ट है, करंट अफेयर मस्ट है, तो पॉलिटिकल साइंस जब आपने पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा कि क्या चीज़ है, ठीक है। टाइमिंग्स आर डिफरेंट मोहम्मद दाऊद, ठीक है। आई विल गोइंग टू शेयर दो आर टाइमिंग्स इन द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल। कौन सी बुक आपने समझाया। उस्मान शाहिद, इकराम रगबानी की पाकिस्तान अफेयर्स की बुक है, इट्स वेरी गुड। पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री भी आप पढ़ सकते हो फॉर पाकिस्तान अफेयर्स, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। मेरा नेम मलीहा है। या स्कोरिंग ट्रेंड एग्जिस्ट ऑफ कोर्स, स्कोरिंग ट्रेंड मैटर्स अ लॉट, और मोस्टली स्कोरिंग ट्रेंड्स को देखते हुए ही स्टूडेंट्स जो अपने सब्जेक्ट सकते हैं। स्कोरिंग है, स्कोरिंग ट्रेंड एग्जिस्ट करता है। इंटरनेशनल रिलेशन स्कोरिंग है या नहीं है, इंटरनेशनल रिलेशन का स्कोरिंग ट्रेंड इतना अच्छा नहीं रहा, सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दिस थिंग कि स्कोरिंग है या नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू गोइंग टू अटेम्प्ट द पेपर। वैसे पास रिजल्ट्स में मैंने देखा है कि इसका स्कोरिंग ट्रेंड इतना अच्छा नहीं रहा। मोस्टली स्टूडेंट्स की ये कंप्लेंट है कि सब्जेक्ट बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, प्रिडिक्शन की बेसिस पे ये पेपर नहीं आता और कहीं से भी ये लोग पूछ लेते हैं। ओके मैम, आई हैव बीन रिमेनिंग इन, ओके आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ टू इम्प्रूव योर जनरल नॉलेज। मैम पॉलिटिकल साइंस के लिए तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ा है। पॉलिटिकल साइंस की आप क्लास ज्वाइन करोगे तो मैं स्मार्टली ही पढ़ाऊँगी, मैं वो टीचर नहीं हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा इररेलेवेंट डिटेल्स में पढ़ जाऊं और मैं कहानियां सुनाऊं। प्लेटो था, बचपन में ये करता था, बड़े होके वो फ़िलासफ़र बन गया,
फिलासफर पे उसके बाबा ने उसको डांटा, आई एम नॉट लाइक दैट, सो मैं टू द पॉइंट ही पढ़ाऊंगी, उसकी फिलासफीज के ही बारे में पढ़ाऊंगी, और वो भी फिलासफीज वो पढ़ाऊंगी जो पास्ट पेपर्स में बहुत ही मोस्ट वांटेड फिलासफीज रह चुकी हैं, जिसके बारे में बहुत पूछा गया है। तो मैं एक इस तरह की मेंटोर हूँ। आई गेस आई होप कि मेरा कोई स्टूडेंट द प्रेजेंट हो जिन्होंने मेरी क्लासेस ली हैं, कि उनका कितना अच्छा फीडबैक रहा है एंड हाउ मच दे आर इन्जॉइंग माई क्लास। बैचलर्स के बाद यू कैन अप्लाई फॉर CSS। वेल, रिफॉर्म्स रिगार्डिंग CSS, मोस्ट प्रॉब्ली वी गोइंग टू हैव स्क्रीनिंग टेस्ट इन दिस कमिंग अटेम्प्ट, बट जैसे कि यू कैन सी के ऑल द थिंग्स आर क्लोज्ड, लॉकडाउन है, तो काफ़ी टाइम लग सकता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। हो सकता है कि 2022 में हो ये चीज़। और जो लोग सोचते हैं कि वर्चुअल और ऑनलाइन लर्निंग इज़ नॉट गुड बिकॉज टीचर इज़ नॉट प्रेजेंट, तो बहुत ही वो गलत सोचते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल फोरम्स पे अगर देखा जाए तो सारे लोग प्रेफर टू लर्न और डू ऑनलाइन लर्निंग, क्योंकि इसमें आप कहीं भी बैठ के किधरी भी, चाहे आप क्वेटा में हो, कराची में हो, लाहौर में हो, गिलगित में हो, कहीं भी हो, यू कैन स्टडी ऑनलाइन, फर्स्ट थिंग। एंड द सेकंड थिंग इज़ डैट कोरोना की काफ़ी कंस्पायरेसीज थ्योरी आई हैं, जिसके मुताबिक I don't feel like or I don't think this thing कि इतनी जल्दी गवर्नमेंट ये फैसला लेगी कि वो लॉकडाउन ख़त्म करे। तो लॉकडाउन ख़त्म होना नहीं इतनी जल्दी, और ये ना हो कि लॉकडाउन जब ख़त्म हो तो आपके पेपर्स का टाइम आ गया हो और आप उस ये जो आपका इतना इम्पोर्टेंट टाइम स्पैन है ये आप इसी चीज़ में वेस्ट कर दें, इसी सोचने में लॉकडाउन ख़त्म होगा तो हम जाके प्रॉपर क्लासेस लेंगे लाहौर में, इस्लामाबाद में। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, मैं ये नहीं कह रही आप मेरी क्लास ज्वाइन करें, आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू, डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टडी, यूटिलाइज दिस टाइम, द टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। टाइम की ना बहुत ये जो वक्त है कीमती होता है, इसकी कदर करें। अगर आपने इसकी कदर वक्त पे ना की ना, तो आप लोग बाद में सिर्फ अफसोस ही करेंगे। मोहम्मद अवेज मुगल, प्लीज़ मेरी वीडियो पीछे से करके देख लेना, मैंने IR का बहुत बार बताया। IR स्कोरिंग है, स्कोरिंग IR इतना नहीं है, उसका स्कोरिंग ट्रेंड इतना नहीं रहा। स्कोरिंग मैं बार बार बता रही हूँ, अमेरिकन हिस्ट्री, US हिस्ट्री अच्छा सब्जेक्ट है और दो तीन बार ये हिट हो चुका है CSS में, लेकिन US हिस्ट्री अगर आप अच्छी तरीके से तैयार करें, उसके 14 प्रेजिडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यू विल गोइंग टू क्लियर इट। मैम, पॉलिटिकल साइंस अच्छे से प्रिपेयर करने में कितना टाइम है? रमीज फरीद, पॉलिटिकल साइंस अगर आप खुद घर में बैठ के प्रिपेयर करेंगे तो सिलेबस बहुत ही लेंथी लगेगा आपको, आपको ये नहीं पता होगा कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, तो 2 से 3 महीने लग सकते हैं टू प्रिपेयर दिस सब्जेक्ट। लेकिन अगर किसी आप प्रॉपर टीचर की गाइडेंस, मेंटोर से पढ़ेंगे तो आप आसानी से ये सब्जेक्ट कवर कर सकेंगे। मोहम्मद खान, यू कैन ज्वाइन माई क्लास एंड दिस क्लास इज ऑल फॉर द बिगनर्स। मैंने पॉलिटिकल साइंस के बहुत से फिलासफर्स का ओवरव्यू दिया आज के सेशन में, आप वो भी देख सकते हैं। और मैं पढ़ाती ही इस तरह हूँ कि मैं अपने आप को ये समझूँ कि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, मैं किसी फिलासफर्स को नहीं पढ़ा रही जिनको सब कुछ पता हो। मैं उनको हर छोटी छोटी चीज़ बताती हूँ कि इस चीज़ का मतलब क्या है। अगर वो एक वर्ड पढ़ते हैं ना प्लेटो में, मेरिटोक्रेसी, तो मैं उसका भी मतलब बताती हूँ कि इसने ये कहा था कि मेरिट की बेसिस पे फिलासफर बनना चाहिए, तो मैं इस तरह पढ़ाती हूँ। पॉलिटिकल साइंस यू शुड स्टार्ट फर्स्ट इफ यू आर ऑप्टिंग इट आउट। मैम, कैन यू सजेस्ट समथिंग टू टेक कंसिस्टेंट प्रेजेंटेशन टुवर्ड्स हिम? हारिस बट कंसिस्टेंट अगर आप रहना चाहते हो ना, तो अवॉइड करो नेगेटिव फ्रेंड्स और वो लोग जो आपको डिस्करेज करते हैं, ठीक है। गेम्स अपने मोबाइल से डिलीट कर दो इफ़ यू आर प्लेइंग, और ट्राई टू सिट विद विनर्स, जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ किया हो,
बस जो ज़िंदगी में कुछ कर रहे हो, जिनमें एक क्यूरियोसिटी हो, किसी भी ऐसे बंदे के साथ ना बैठना जो आपको डिस्करेज करे, जो आपको कहे तुम नहीं कर पाओगे, या जो आपको बोले कि सीएसएस करने के बाद भी कौन सी तुम्हारी इतनी ज़्यादा पे होनी है, तुम इससे अच्छा बिजनेस कर लो। इस तरह के लोगों से प्लीज़ अवॉइड करें। जस्ट फोकस ऑन योर गोल एंड जस्ट डू योर बेस्ट, मेक योर नोट्स एंड ट्राई टू वर्क हार्ड डे एंड नाइट, एंड फिर अल्लाह ताला से दुआ करना, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दुआ साथ करें सो यू गोइंग टू क्लियर सीएसएस। ओके फाइन स्टूडेंट्स, आई गेस लाइक इट्स ऑलरेडी टू लेट, आई हैव आंसर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। मोहम्मद अवेज़ मुग़ल, आईआर ऑप्ट तब करो अगर आप फॉरेन अफेयर्स मैगज़ीन पढ़ते हो, डिप्लोमेट पढ़ते हो आप, या वो पढ़ते हो क्या कहते हैं ट्रिब्यून अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो, ग्लोबल पॉइंट पढ़ रहे हो, तो फॉरेन अफेयर आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस तब ऑप्ट आउट कर लो। और इंटरनेशनल रिलेशंस में आपने जो इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने हैं वो थ्योरीज को नज़र में रखते हुए पढ़ने हैं, लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, ये सारी थ्योरीज को नज़र में रखते हुए पढ़ने हैं। ये मेरे पास इंटरनेशनल रिलेशंस की भी बुक है, तो इसको मैंने एनालाइज किया है और उसके बेसिस में ही मैंने डिसाइड किया था कि पॉलिटिकल साइंस इज़ द ईजी सब्जेक्ट, ओनली इट इज़ लेंथी ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स जो बिगनर्स हैं, बट इट्स एन ईजी सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। ओके स्टूडेंट्स, आई गेस लाइक इट्स ऑलरेडी टू लेट और आई हैव गिवन द आंसर्स ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं और जो सच में अपना ये टाइम यूटिलाइज करना चाहते हैं और जो इस चीज़ में बिलीव नहीं रखते कि मतलब वर्चुअल लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग इज़ लाइक वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ टाइम, देन दे शुड टेक माई क्लास, दे शुड ज्वाइन दिस क्लास। और जो लोग लॉकडाउन का ख़त्म होने का वेट करें तो वो लॉकडाउन का ख़त्म होने का ही वेट करते रहें, क्योंकि वो अपना भी नुकसान कर रही हैं और वो अपने आप को गोल से दूर कर रहे हैं। क्योंकि लॉकडाउन अगर ख़त्म भी होता है, ठीक है, इनके इस ख़त्म भी होता है, सो डू यू रियली थिंक कि अगर कोरोना प्रसिस्ट कर रहा है तो इतनी जल्दी कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुलेंगे जिसमें फॉर बहुत डिस्टेंस कम होता है? डू यू रियली थिंक दैट कि चीज़ें फ़ौरन नॉर्मल हो जाएंगी? जनवरी में कोरोना स्टार्ट हुआ चाइना में, जनवरी में स्टार्ट हुआ हमारी डिफरेंट कंट्रीज़ में, उनका अभी तक लॉकडाउन चल रहा है, तो हम लोग 2 महीने या 1 महीने लॉकडाउन करने से डू यू रियली थिंक कि जो हमारे 20 से 25 हज़ार मरीज़ हो गए हैं वो ठीक हो जाएंगी? हमारा जो पीक होनी है लाइक कोरोना वायरस पेशेंट्स की, वो होनी है जून के मंथ में, एंड आई डोंट थिंक सो कि इट्स लाइक गुड टू वेस्ट योर प्रीशियस टाइम। आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड ज्वाइन मी, बट आई एम जस्ट सेइंग जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम बींग अ गुड टीचर एंड बींग योर मेंटोर। ओके ओके फाइन स्टूडेंट्स, सो आई एम जस्ट लिविंग एंड दो स्टूडेंट्स आई एम अगेन सेइंग हु रियली वांटेड टू एनरोल इन माय क्लास, दे कैन टेक्स्ट मी। माय न्यू सेशन विल गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 5th May। आई विल गोइंग टू ऐड यू इन माय न्यू क्लास एंड श्योरली यू विल गोइंग टू गेट माय शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स, जो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं, और इसके अलावा यू विल गेट माय ऑल द गाइडेंस दैट हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, tips and techniques and how to smartly study this subject. So that's all, I'm just signing off right now. Okay, I'm just signing off right now. If you're having any question, you can text me on the WhatsApp group which is given in the description. That's all, thank you, Allah Hafiz.
मैम व्हेन क्लास विल स्टार्ट? न्यू सेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 5th मई. ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं जो मैं 1st मई से स्टार्ट हुई थी. मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन इनरोल्ड. जो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे वो इनरोल हो चुके हैं. तो टाइमिंग्स इज लाइक 3 to 4:30. टाइमिंग्स ऑफ क्लास आई ऑलरेडी टोल्ड यू ईगल लॉइन. टाइमिंग्स डिफरेंट हो सकती हैं, डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस बैच में इनरोल होते हो. ठीक है, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़. एंड बहुत बहुत आप सबको रमज़ान मुबारक हो. अल्लाह हाफिज़.